नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सेना के टॉप क्लास अधिकारियों के घोटालों के ऊपर जो उनको सजा सुनाई गई है उससे रूबरू कराएंगे। मेजर जनरल के कोर्ट मार्शल के बाद ब्रिगेडियर को भी हुई जेल। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या थे इनके गुनाह और क्यों इतना बड़ा कदम सरकार को उठाना पड़ा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जनरल साहब के कोर्ट मार्शल के बाद ब्रिगेडियर को हुई जेल। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना और सही देखा। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब बाढ़ ही खेत चुगने लगे तो खेत की रखवाली कौन करेगा। जब सेना के इतने टॉप क्लास अधिकारी घोटालों में शामिल होने लगे तो फिर क्या हाल होगा, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। इन अधिकारियों द्वारा जवानों के तो मोबाइलों को भी तोड़वा दिया जाता है, वो भी सामूहिक रूप से फॉलन करके सबके इकट्ठे करके तोड़वा दिया जाता है। क्यों? कि उनके मोबाइलों में कैमरे हैं, वो सिक्योरिटी लूज कर देंगे, वो ये कर देंगे, कई कई चीज का हवाला देकर उनके मोबाइलों को तोड़वा दिया जाता है। आए दिन जवानों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, कैसे कैसे जवानों के साथ अत्याचार होता है। सोशल मीडिया में आकर वो अपने दर्द का बयां करते हैं कि जवानों से अब अर्दली का काम नहीं कराया जाएगा, ये नहीं कराया जाएगा, वो नहीं कराया जाएगा, जवान अब किसी का गुलाम नहीं। ये सिर्फ कहने की बातें, हकीकत तो कुछ और ही है। मेरठ से प्रकाशित एक न्यूज के मुताबिक ब्रिगेडियर समेत 13 को सुनाई कारावास की सजा। सीबीआई के विशेष कोर्ट ने आगरा सेना भर्ती घोटाले के दोषी ब्रिगेडियर रिटायर्ड समेत 9 अभियुक्तों को 4.5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ब्रिगेडियर की दोषी पत्नी और बेटी को भी 3-3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वहीं एक अन्य केस में मेजर जनरल की बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने अपने साथी महिला अधिकारी कैप्टन का यौन शोषण किया, जिसमें उनके जनरल कोर्ट मार्शल का रविवार को आदेश पारित कर दिया गया। इसका अप्रूवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने के बाद मेजर जनरल की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जीएसएम का निर्णय बदलने का अधिकार होता है। दोस्तों, ये खबरें पेपरों में बड़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। सेना अपने अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के लिए एक मिसाल है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो निंदनीय है। और जवानों के मामले में तो अधिकारियों के व्यवहार पर कई बार उंगलियां उठाई जाती रही हैं, और ये मामला पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में भी तूल पकड़ने, क्योंकि जवान अपनी देश की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर करता है तो उसके आत्म सम्मान की भी रक्षा होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।